हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग डिजिटल लर्नर, कीप लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट या और भी कोई भी अकाउंट है उसको आप अपने अकाउंट को हैकर से कैसे बचा के रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं हर जगह कि ज्यादातर हैकर्स आपके डिटेल्स को ले लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट हो या आपका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, उसको हैक करके आपके डिटेल्स के साथ मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम अपने अकाउंट को फुल्ली सिक्योर रखें। अब जैसे कि हम सभी आज के टाइम पे देख रहे हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम पे समय काम कर रहे हैं, समझिए अगर आपने उस पर काफ़ी मेहनत करके फॉलोअर्स गेन भी किए उसके अंदर, और अगर बाई चांस समझिए अगर आपका अकाउंट नहीं सिक्योर है फुल्ली और किसी ने अगर उसका आईडी पासवर्ड अगर ले लिया तो वो आपके अकाउंट को हैक कर लेगा इजिली। वहां से वो कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है, आपके फॉलोअर्स जा सकते हैं या आपकी जो पर्सनल ब्रांड, आप जो अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं वो ब्रांड आपका खत्म हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए फ्रेंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे आप वेरीफाई करेंगे, जो कि है टू स्टेप वेरीफिकेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग नॉर्मली पासवर्ड यूज करते हैं, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यूज करते हैं, बढ़िया बढ़िया पासवर्ड डालते हैं कि जल्दी कोई हैक ना कर सके। पर हाँ, ज्यादातर आप देखेंगे लोगों में सिमिलरिटीज होती है कई बार कि कुछ लोग एक या दो ही पासवर्ड हर जगह यूज करते हैं। अगर बाई चांस समझिए कोई आपका पासवर्ड जान जाता है, कोई आपका फ्रेंड या ऐसा कोई भी जान जाता है, तो आपके अकाउंट को इजीली एक्सेस कर लेता है। पर हाँ, जैसे कि हम सभी देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर लॉग इन करते हैं अगर आप कहीं पर, तो कई बार फोन पे ओटीपी आता है कि आप ओटीपी बताएंगे तो ही वो काम होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, आप पेमेंट करते हैं अपना ऑनलाइन, तो जब पेमेंट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपको एक मोबाइल पर ओटीपी भेजता है पहले। अगर वो ओटीपी आप कंफर्म करते हैं तो ही आपका जाके पेमेंट सैंक्शन होता है। अगर आपने वो ओटीपी कंफर्म नहीं किया, आपने अगर ओटीपी गलत रही तो आपका पेमेंट भी कंफर्म नहीं होगा। तो ऐसे ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम में कैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन जिसे कहा जाता है आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, अपने अकाउंट को बेहद सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है भाई। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने काम के लिए, दिन रात अपना काम कर रहे हैं और काम करने के बाद किसी ने हैक कर लिया मेरा अकाउंट, पहला पूरा अकाउंट ही खत्म हो गया, या किसी ने उस अकाउंट से बीच में हैक करके कुछ ऐसा गलत इंफॉर्मेशन डाल दी कि जिससे कि मेरे फॉलोअर्स या जितने भी इंगेजमेंट थे सारी खराब हो गई, मेरी कुछ भी हो गया। तो वो सारी चीज़ को सिक्योर करते रहना भी जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इंस्टाग्राम पर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा कि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन लगातार पाते रहें जैसे ही मेरी वीडियो है, और मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे आप सोशल मीडिया नेटवर्क पर ग्रो कर सकते हैं, अपना ब्रांड अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें। सो गाइस, लेट्स डाइव इनटू आवर मोबाइल स्क्रीन और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को कर सकते हैं और कैसे यूजफुल है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, सो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे ऐसा यूजर इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। जहां आपकी फोटो दिख रही है प्रोफाइल एक्सेस करने के लिए, आप वहां पर क्लिक कर देंगे। वहां क्लिक करते ही आप देखेंगे ऊपर थ्री लाइंस आपको दिख रही होंगी, तीन डंडी आपको देखने को मिलेगी। वहां पर आप तीन डंडियों पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका एक मेन्यू खुल के आ जाएगा पूरा। नीचे देखिए तो आखिरी में सेटिंग्स आपको देखने को मिलनी होंगी, यहाँ पर आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब आपको दिख रहा है कि सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, सिक्योरिटी ऑप्शन आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए फोर्थ नंबर पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिखा रहा होगा, इस पर आपने सेलेक्ट किया। अब देखिए लिखा रहा है ऐड सिक्योरिटी, ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट मैसेज या आप ऐप के द्वारा भी अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक। तो वैसे ज़्यादातर हम लोग टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही करते हैं क्योंकि ऐप में जो होता है, ऐप में कभी कभार थर्ड पार्टी ऐप हमको यूज़ करनी होती है अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए, तो वो चीज़ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए आप हिसाब से टेक्स्ट मैसेज पे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको जो भी आप मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक कोड चला जाएगा। वो कोड जैसे ही आपको यहाँ पर आएगा भी ऑटोमेटिक, ये देखिए ये कोड आ गया, यहाँ पर आपको कोड लिख देना है अपना। तो आप जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे कोड को, एक ऐसा आपका खुल जाएगा, लिख के आ जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। तो ये आपका अब जब आप कभी भी अपनी आईडी लॉग इन करेंगे तो आपको ये दिखा देगा। इसमें आपको कुछ रिकवरी कोड्स भी दिखाएगा, है ना, यहाँ पर मैं वो खोल कर दिखाऊँ क्योंकि वो पर्सनल कोड्स रहेंगे। उस कोड का आप ज़रूर से एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा जिससे कि आप वहाँ पर कोड्स को देख सकें। कभी भी अगर आपका मोबाइल अगर बाई चांस नहीं है तो रिकवरी कोड से आप अपने अकाउंट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने देख लिया हो कैसे आप टू स्टेप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, है ना, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अकाउंट पे इस चीज़ को एक्टिवेट जरूर से करके रखिए, जिससे कि आपका अकाउंट हमेशा वेरीफाइड है और सिक्योर रहे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट कि वो भी देख सके इसको कि कैसे हम टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं और सारी चीज़ों को। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।